लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में जो बड़ और पीपल के पेड़ पर बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पेड़ पर भी कोई मंदिर हो सकता है। इस बात पर विश्वास किया जाना इतना सहज नहीं है, लेकिन जब आप उस मंदिर की तस्वीरें देखेंगे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। यह आकर्षक मंदिर निमाजगढ़ का जगरामेश्वर मंदिर है। ऐसा कहा गया है यह बड़ और पीपल के पेड़ पर बना मंदिर करीब 300 साल पुराना एवं सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जगराम दुर्ग में बने मंदिर का निर्माण विचित्र परिस्थितियों में किया गया, यह भी अपने आप में एक अजूबा ही है। मंदिर करीब 20 से 25 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियां बनी है। पूरे मंदिर का निर्माण दोनों पेड़ों के तने पर किया हुआ है। पेड़ों की शाखाएं मंदिर के चारों ओर लिपटी हुई है। मंदिर निर्माण को लेकर एक कहानी प्रसिद्ध है कि यहाँ एक पुजारी तपस्या में लीन थे। इसी दौरान उन्हें ऊपर से एक मंदिर गुजरने का आभास हुआ। पुजारी ने अपनी तपस्या के बल पर मंदिर को वहीं उतार लिया और जगराम दुर्ग की पोल के पास स्थापित किया गया। ऐसा माना गया है कि मंदिर पेड़ पर उतरा गया था। तत्पश्चात 1765 के करीब इस मंदिर में महादेव की मूर्ति स्थापित कर उसका नाम जगरामेश्वर रखा। मंदिर में शिव परिवार की स्थापना की गई। तत्कालीन शासक परिवार ने मंदिर का पुनरुद्धार भी करवाया।